हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की वीडियो रेगुलर लेके आता रहता हूँ। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जानने के लिए आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.uu.ac.in में विजिट करेंगे। आफ्टर दैट आप असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास इंपॉर्टेंट नोटिस मिल जाएगा, सूचना जो आपके असाइनमेंट की रिगार्डिंग में है। 2020-21 में जिन स्टूडेंटों ने एडमिशन लिया है, फ्रेश स्टूडेंट, बी केयरफुली, आप लोगों के जो असाइनमेंट है वो ऑनलाइन मोड में ही सबमिट होंगे। दैट मींस कि जो पहले हम रिटर्न असाइनमेंट बनाते थे, बट अब यूनिवर्सिटी ने टोटली परमिशन दे दी है ऑनलाइन असाइनमेंट की। तो यूनिवर्सिटी ने पहले ही 2021 में इसके रिगार्डिंग में नोटिस जारी कर दिया था कि अब यूनिवर्सिटी नए सत्र से ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करेगी। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी ने इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। सो पहला मैं बात करूंगा स्नातक, प्राय स्नातक, डिप्लोमा एवं प्राय स्नातक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी सत्रकारी पूर्व की भांति लिखित न होकर ऑनलाइन परीक्षा के रूप में होगा। यानी कि जो हम पहले रिटर्न असाइनमेंट सबमिट करते थे, अब वो ना होकर हमारी ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम होंगे। ऑनलाइन असाइनमेंट आपको सबमिट करने हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट के मार्क्स आपके ऐड होंगे स्टूडेंट वन व्यू में आपके मार्कशीट में। दैट मीन स्टूडेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स विल बी हैव द असाइनमेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड नॉट रिटर्न एज बिफोर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द फॉलोइंग। द फर्स्ट इज सत्रकार्य में 20 तथ्यनिष्ठ प्रश्न होंगे, दैट मीन्स देयर विल बी 20 फैक्चुअल क्वेश्चन इन दिस असाइनमेंट। एंड नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र 1 मार्क्स का होगा। जहां पे सत्रकार्य 10 नंबर का है, वहां पर प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर हाफ मार्क्स का होगा। सो दैट मीन्स ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 नंबर, वेयर द असाइनमेंट इज 10 नंबर, ईच क्वेश्चन विल बी हाफ मार्क्स। सो द नेक्स्ट वन, सत्रकार्य में 4 विकल्पों के साथ केवल तथ्यनिष्ठ प्रश्न ही होंगे। सो दैट मीन द असाइनमेंट विल बी कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद 4 ऑप्शंस। मैं प्रश्नों के स्तर की बात करूं, यहां पे उन्होंने डिवाइड करा है 3 कैटेगरी में। सिंपल क्वेश्चन की बात करूं, सिंपल क्वेश्चन हमारे टोटल है 6, और मॉडरेट क्वेश्चन की बात करूं 7, और जो हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चन है दिए आर 7। सो दैट मीन द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी फॉलो, सिंपल क्वेश्चन इज 6 क्वेश्चन टोटली, मॉडरेट क्वेश्चन आर 7 क्वेश्चन एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन आर 7। या नेक्स्ट बताया गया प्रश्न पत्र की अवधि 60 मिनट होगी। सो दैट मीन्स द ड्यूरेशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी 60 मिनट। देन अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, यहां पे बताया गया है परीक्षार्थी को अधिकतम 2 मौके दिए जाएंगे, दूसरे मौके का उपयोग करने पर प्राप्त अंकों के 90% का ही लाभ दिया जाएगा। जो परीक्षार्थी उपयुक्त 2 मौकों पर पास नहीं हो पाएंगे, उसे बैक परीक्षा का विकल्प दिया जाएगा। So that means the clearly the candidate will be given a maximum of 2 chances by using the second chances only 90% of the marks obtained will be given. The candidate who will not be able to pass on the appropriate 2 occasions will be given the option of back paper. So the last point but not least, परीक्षार्थियों से पूर्व परीक्षा को डेमो हेतु नमूना परीक्षण यानी मॉक टेस्ट की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। So that means before the examination, the candidate will be providing with the faculty of mock test for demo. So यही काफ़ी important news है जो university ने काफ़ी अच्छी तरीके से assignment के data में उन्होंने add करी है। तो जितने सारे question student queries कर रहे थे अपने assignment के लेके, तो वो student ready हो जाएं, आपके online assignment ही होंगे इस साल से जो नया साल आया है 2021। सो गाइज, इसके रिगार्डिंग में मैंने पहले भी काफ़ी पहले वीडियो अपलोड करी थी अपने चैनल पे, जिसमें मैंने ये क्लियर किया था कि यूनिवर्सिटी 2021 में ऑनलाइन मोड में आप लोगों के असाइनमेंट सबमिट होंगे। यानी आपको 20 मार्क्स के MCQ आएंगे, आपको वहाँ पे अपने आंसर सेलेक्ट करने होंगे। आफ्टर दैट विद इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपका रिजल्ट अपलोड हो जाएगा, आपको टोटल मार्क्स बताएगा, TL ऑटो पॉपुलेटेड जनरेट होके वहाँ पे भी आपके मार्क्स शो करेगा। बेसिकली पहले क्या होता था, जैसे हम रिटर्न असाइनमेंट सबमिट करते थे तो स्टडी सेंटर में जाके हम सबमिट करते थे अपने असाइनमेंट, काफ़ी जैसे हम जब हमारा रिजल्ट आता था उसके बाद ही हमारे स्टूडेंट वन व्यू में हमारे मार्क्स शो होते थे। अब यूनिवर्सिटी ने 2021 में कुछ चेंजेस करे हैं अपने असाइनमेंट को, ऑनलाइन मोड में अपडेट करा है।
इनफैक्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी ने 2021 में चेंजेस करे हैं ऑनलाइन असाइनमेंट को लेके, बिकॉज ड्यूरिंग कोविड 19 पैंडेमिक टाइम सिचुएशन को देखते हुए ये काफ़ी अच्छे स्टेप्स हैं जो यूनिवर्सिटी ने लिए हैं। बिकॉज ड्यूरिंग कोविड 19 पैंडेमिक टाइम पीरियड में काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ी थी अपने ऑफलाइन असाइनमेंट मोड में अपने स्टडी सेंटर तक सबमिट करने में। सो यूनिवर्सिटी ने काफ़ी अच्छे डिसीजन लिए हैं असाइनमेंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के रिगार्डिंग में। सो गाइज आई होप आपकी सारे पॉइंट्स और डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके असाइनमेंट 2020-21 को रिगार्डिंग में। बट अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वारीज है अपने असाइनमेंट के रिगार्डिंग में 2020-21 ईयर के रिगार्डिंग में, सो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वारीज को रिजॉल्व कर सकूं। सो गाइज दैट्स इट इन दिस वीडियो। इफ यू थिंक दिस वीडियो गोना हेल्पफुल फॉर यू, डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट फॉर मोर रेगुलर अपडेट। फर्स्टली स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीपिंग दैट स्माइल इन योर फेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।